जिनकी स्किन एक्सट्रीमली हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ वो मेरे स्किन केयर रूटीन का पार्ट है, पर इनके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ। डिपेंड करता है कि मेरी स्किन कैसी फील कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना आपका कीमती वक्त वेस्ट किए। जिस दिन मैं शूट करती हूँ उस दिन फेस पे मेकअप होता है, तो मैं सबसे पहले मेकअप रिमूव करती हूँ। और ये बहुत जरूरी है कि रात में सोने से पहले मेकअप जरूर रिमूव करें। इसके लिए मैं ये बायोडर्मा का माइसलर वाटर यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब, और आपको ये जान के ताजुब होगा कि बायोडर्मा वर्ल्ड का पहला इन्वेंटर है माइसलर वाटर का। इसको थोड़ा सा कॉटन पे लेकर के मेकअप रिमूव कर लेंगे। इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि कोलेजन बूस्ट करता है और स्किन को टाइटन बनाता है। आप सिर्फ मेकअप रिमूव करने के लिए ही नहीं, बल्कि आप ऐसे कहीं बाहर से आते हैं तो नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं डर्ट एंड पोल्यूशन रिमूव करने के लिए। इस माइसलर वाटर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किन का नेचुरल बैलेंस अफेक्ट किए बिना ही ये जेंटली एंड डीपली मेरा पूरा मेकअप एक ही बार में रिमूव कर देता है। यहाँ तक कि वाटरप्रूफ मेकअप भी आप इससे इजिली रिमूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट करता है। पहले मैं ये गलती करती थी, मेकअप रिमूव किए बिना ही फेस वॉश कर लेती थी। फिर जब से मैंने रिमूवर यूज करना स्टार्ट किया, मैंने डिफरेंस फील किया, तब से मैं पहले रिमूवर यूज करती हूँ उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। आप ये माइसलर वाटर ट्राई करो, आप खुद डिफरेंस फील करोगे। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, और मोस्टली मैं फेस वॉश जो है वो रात में ही करती हूँ या फिर दिन में अगर कहीं बाहर से आती हूँ तब यूज करती हूँ। और फेस वॉश के लिए मैं ये बायोडर्मा का सेंसी बायो जेल मूसिंग यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही जेंटल है मेरी स्किन पे और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है। इसमें विटामिन ई है जो कि स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है एंड क्लॉक्ड पोर्स को अनक्लॉक करता है। थोड़ा सा अपने हैंड्स पे लेकर के वेट फेस पे अप्लाई करती हूँ और सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से फेस से डर्ट इम्प्योरिटीज को क्लीन कर देता है और आप उसके बाद खुद फील करोगे आपके फेस पे शाइन। डबल क्लेंजिंग जब से मैं करती हूँ तब से मुझे फील हुआ है कि मुझे कम ब्रेकआउट्स होते हैं। अगर आप भी पिंपल से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को ये डबल क्लेंजिंग जरूर ट्राई करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद मैं इस छोटे टॉवल से डैब करके फेस को ड्राई करती हूँ। आप लोगों को भी फेस के लिए सेपरेट टॉवल रखना चाहिए क्योंकि हमें फेस पे और बॉडी पे सेम टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस फील करेंगे अपने स्किन पे। नेक्स्ट मैं ये टोनर यूज करने वाली हूँ और ये भी मैं बायोडर्मा का ही सेंसी बायो टोनिक यूज कर रही हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है, इसलिए इसको भी मैं थोड़ा सा कॉटन पे अप्लाई करने के बाद अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। ये मैं अच्छे से स्किन पे इवनली स्प्रेड करती हूँ। इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है स्किन को ये, पोर साइज रिड्यूस करने के साथ ये स्किन को टाइटन करता है। अब जैसे कि मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है,
अब मैं स्टार्ट करूंगी अपने स्किन को अच्छा फूड देना, क्योंकि रात बहुत लंबी है तो आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए जो स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अभी जैसे कि विंटर्स है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हो। तो मैं ये एडोडर्म क्रीम यूज कर रही हूँ जो कि बायोडर्मा का है और ये नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। इसमें एल्कोहल नहीं है, फ्रेग्रेंस एंड पैराबेन फ्री है। क्रीमी टेक्सचर है इसका और ये थोड़ा बहुत स्टिकी है, तो अगर आप इसके बाद मेकअप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्टिक होगा, या फिर अगर आप चाहें तो इसे एवरीडे मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है ये। इसमें वाटर है, मिनरल ऑयल है, तो ठंड में जो हमारी स्किन वाटर लॉस की वजह से ड्राई होती है ये स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें नाइसिनमाइड है, स्किन को स्मूथ बनाने के साथ स्किन बैरियर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लियर बनाता है। अगर आप रेटिनॉल, AHAs या BHAs यूज करते हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट मैं लिप बाम लगाती हूँ और बस, ये है मेरा विंटर्स का सिंपल सा एंड इफेक्टिव नाइट स्किन केयर रूटीन। तो ये सब प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको सेम प्रोडक्ट्स बाय करना हो तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इनमें सारे प्रोडक्ट्स बायोडर्मा के हैं, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और ये बेस्ड है स्किन टाइप के नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं इनको यूज कर रही हूँ। तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, इनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन फ्रांस हैं। तो अब मैं चलती हूँ सोने, और आप जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय एंड गुड नाइट।